हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में जो मैंने लेक्चर को सोचा कि आप लोग को पढ़ाऊं, ये आपका लीस्ट काउंट और वर्नियर कैलिपर का कॉन्सेप्ट। और पहले पार्ट में हम लोग लीस्ट काउंट, फिर वर्नियर कैलिपर, फिर नेक्स्ट पार्ट में स्क्रू गेज, और भी अगर हमारे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आता है जिसकी अगर हमें जेई में या नीट में ज़रूरत पड़ती है तो उसे पढ़ेंगे। पूरा एक तरीके से जो लीस्ट काउंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि लीस्ट काउंट की बात, लीस्ट काउंट क्या होता है, तो हमारा जो डिस्कशन है जैसे वर्क इस लीस्ट काउंट, ओके। लीस्ट काउंट अगर मैं बात करूं, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट लेते हो तो उसमें जो आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट है, ओके, जिसको आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। अगर हम नॉर्मली एक स्केल लें जो हम लोग अपने घर पे यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में लेके चलते हैं, उस स्केल की अगर बात करूं तो आप अगर देखोगे तो ऐसे ज़ीरो आता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सही है, आपके पास कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। और ये जो आपके पास जो सबसे छोटी वैल्यू है, आप ध्यान से देखो, ये जो आ रहा था ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट है। तो अगर पूछा जाए तो सर ये इसका लीस्ट काउंट होगा, और इसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू इसके लिए तो पूछे इस क्वेश्चन में, इस स्केल के लिए कितनी आएगी, 1 मिलीमीटर, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। इसका बेनिफिट क्या हो कि अगर आप कभी इससे, इस स्केल की हेल्प से अगर आप किसी चीज़ की लेंथ मेजर करें, लेट्स से आपके पास एक पेंसिल है, ये पेंसिल आपने यहाँ पे ली और इस पेंसिल का टिप जो है बच्चे इस तरीके से ऐसा आ रहा है, सही है, 4 था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक, ये 5 आ गया। आप इसे मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि इससे अगर पेंसिल को मैं यहाँ पे सोचूं तो 4.1 4.2 4.3, ऑब्वियसली 4.3 से थोड़ा आपके पास ज़्यादा है, लेकिन आपको राइट नहीं है क्या 4.3 से आगे कुछ लग पाए, तो 4.3 सेंटीमीटर आपकी रीडिंग होगी, क्योंकि आप 0.1 सेंटीमीटर आपका लीस्ट काउंट है। हाँ, सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से देखें तो सर ये शेव डिजिट है, 3 पे आप कह सकते हो, सर उतना रिलाई नहीं कर सकते, पर इसको भी काउंट करेंगे सर अनश्योर डिजिट, तो आपका ये टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे 2 आती है। हाँ, अब अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा बेटर होता तो हमें इसके डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस या हो सकता सेकंड प्लेस तक, हो सकता थर्ड प्लेस तक हम जा पाते, पर ये जो लीस्ट काउंट है ये मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वही डिसाइड करेगा। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि किसी क्वेश्चन में जब बात आती है कि सर लीस्ट काउंट क्या हुआ, तो आप ऐसे पढ़ के चल सकते हैं कि सर लीस्ट काउंट का मतलब सिंपल फिजिक्स में, लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का स्मॉलेस्ट जो एक्यूरेसी के साथ आप मेजर कर सकते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो स्केल आया, जो नॉर्मल नटराज स्केल जो हम घर में यूज़ करते हैं, इसका आपके पास लीस्ट काउंट कितना आ गया, 1 मिलीमीटर, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर, क्लियर। अब बात आती है कि इसके आगे अगर हम लोग चले हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट हमें डिस्कस करने हैं, भाई इसमें तो रीडिंग में कोई बहुत ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रीडिंग आपकी 4.3 आ रही है, इसमें कुछ करेक्शन भी नहीं कर सकते, इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकते। लेकिन अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में बेटा डिस्कस करना चाहते हैं वो आपका है सिंपल सा वर्नियर कैलिपर, ओके। तो वर्नियर कैलिपर का डायग्राम बेटा मैं निकालता हूँ, एक मिनट, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की अगर बात की जाए बेटो तो सिंपल सर हमें पहला इंटरेस्ट है बेटा इसमें लीस्ट काउंट के लिए लेके, लीस्ट काउंट क्या होता है, तो वर्नियर कैलिपर बेसिकली कैसा होता है बेटा, उसके लिए मैं डायग्राम आपको निकाल के दूं। तो मेरे पास ये डायग्राम आया, मैं इसमें यहाँ पर रखा, तो ये वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या क्या चीज़ें हैं सर,
सर इसमें अगर देखा जाए तो सर यहाँ पे आपके पास एक मेन स्केल हो गया, ये आपको मेन स्केल दिखता है, ये आपके पास स्लाइडिंग स्केल है, इसको हम लोग वर्नियर स्केल भी बोलते हैं। मेन स्केल पे वर्नियर स्केल को आप क्या कर सकते हैं बच्चे, इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं आगे पीछे। आपके जो लोअर जॉज हैं ये जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये अगर आपको किसी का आउटर डायमेंशन निकालना है उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कॉइन है, कॉइन को आप यहाँ पर रख दीजिए, आप एक बर्तन रख दीजिए, ऐसे ग्लास रख दीजिए, उसका आउटर डायमीटर इससे निकाल सकते हैं। और आपके मन में बात है जैसे मेरे को इनर डायमीटर निकालना है ना, जैसे बर्तन है तो उसके अंदर के डायमीटर के लिए इसको जॉज को कॉर्नर पर टिक करिए तो आपको रीडिंग आ जाएगी। कभी आपको जैसे बर्तन की गहराई नापनी है तो इसको ऐसे वर्टिकल रखिए और बर्तन में इसको अंदर से करिए, जहाँ पे जाके टच करेगा वो रीडिंग बेटा आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर और डेप्थ को मेज़र कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। और हम यहाँ पे एक्यूरेसी के टर्म में अगर बात करें, सॉरी प्रिसीजन के टर्म में, तो हमारा प्रिसीजन नॉर्मल मीटर स्केल से बेटर आता है। ठीक है, ये बात सबको पता है बेटा कि मेज़रमेंट जो है आपका, एक कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको मेज़र तो करना है। सबको ये भी पता है, हम पढ़ चुके हैं एरर वाले चैप्टर में, एरर वाले टर्म में ही हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं कि सर एरर तो आएंगी। एरर नटराज स्केल जो आपने नॉर्मल यूज़ किया उसमें एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकते, पर अगर हम एक अच्छा प्रिसीजन वाइज रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमें वर्नियर कैलिपर की रिक्वायरमेंट है। क्लियर, ये पॉइंट पक्का। अब इसके बाद मेरा डिस्कशन आता है जब वर्नियर कैलिपर को हम लोग देखें अच्छे से तो उसमें क्या चीज़ होती है। भाई देखिए, ये जो जॉ आपने लिया था बच्चे, इसको अगर इससे यहाँ पे टच करके रखते हो, जॉ आपको जॉ से मिला के, ये यहाँ पे आपके इससे मिला के और फिर यहाँ पे रीडिंग आती है। तो ज़रा देखा जाए हम किन रीडिंग्स की बात करते हैं वर्नियर कैलिपर में। एक और डायग्राम लेते हैं अच्छे से, ये आपने बेटा के लिया वर्नियर कैलिपर का सिंपल सा डायग्राम। क्लियर, तो यहाँ से अपनी जो जर्नी है हम वर्नियर कैलिपर के लेके चले। और हम इससे बेटा एक टर्म आता है जीरो एरर करके, हम उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, पहले सादा सादा पढ़ लेते हैं। तो सादा सादा मतलब ऊपर देखो, तो मैंने क्या कि जब आप इनको जॉस को मीट कराते हो, ऊपर देखिएगा, जब आपने मीट कराया तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो मेन स्केल है और जो आपका वर्नियर स्केल है इनके ज़ीरो मीट करने चाहिए। ठीक, तो वर्नियर के जो जैसे आपने मैच कराया तो ज़ीरो ऑफ वर्नियर और ज़ीरो ऑफ मेन स्केल अगर मैच करता है तो हम बोल देते सर इसमें कोई हमारी ज़ीरो एरर नहीं है। क्लियर, अब मेन स्केल डिवीज़न अगर बच्चे में पूछो इस क्वेश्चन में कितना होगा, एक छोटी सी बात, मेन स्केल डिवीज़न कितनी होगी, तो आप बोल दोगे सर मेन स्केल डिवीज़न तो सर सिंपल सा जो हमने पढ़ा था वही हुआ, मेन स्केल डिवीज़न आपका कितना आएगा पढ़ा हुआ है 1 मिलीमीटर। अच्छा, वर्नियर स्केल डिवीज़न कितने का होगा, तो वर्नियर स्केल डिवीज़न की कहानी बेटा थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हमें देखनी है यहाँ पे क्या है। वर्नियर स्केल डिवीज़न क्या होता है, आप अगर ध्यान से देखो तो आपने क्या किया, इस पूरी पंगत में एक लाइन में कुछ लोग बैठे हैं इधर और एक इधर बैठे, सामने जरा बेटा काउंट करना, मेन स्केल डिवीज़न बड़े लग रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, दो तरह के वर्नियर कैलिपर हैं, एक फॉरवर्ड वर्नियर कैलिपर होते हैं जिनमें मेन स्केल डिवीज़न बड़े होते हैं, और एक बैकवर्ड वर्नियर कैलिपर होता है जिनमें मेन स्केल डिवीज़न छोटे होते हैं। हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। इनिशियल जो फेमस हैं वो आपके फॉरवर्ड वर्नियर कैलिपर, जिसमें मेन स्केल डिवीज़न थोड़ा सा बड़ा आता है किससे, वर्नियर से। तो अब देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उसमें काउंट किया था आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर, तो अगर बात करें बेटे यहाँ पे तो आपका कितना आया था, फिर से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 मार्क का नीचे जो काउंट करें तो 10 के बराबर आ रहा है। तो जो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न है 9 MSD, ये हो सकता है नया क्वेश्चन है तो उसमें चेंज हो जाए। तो भाई हमें बताया गया 1 MSD किसके इक्वल था, 1 mm के इक्वल, लेकिन सामने वाली लाइन में से जहाँ पे आपके 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न आ रहे हैं उसके सामने केवल 9 मेन स्केल डिवीज़न। तो इससे बच्चे मैं 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न निकाल सकता हूँ ना, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न किसके इक्वल हो जाएगा, 0.9 ऑफ MSD इस क्वेश्चन, इस डायग्राम में। और 0.9 ऑफ MSD किसके इक्वल है, तो आपका MM आ गया था 0.9 mm। क्लियर कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो सिंपल से मेन स्केल डिवीज़न की बात आई तो आपके पास कितने का आ गया,
सब 1 mm का, सब 1s के डिवीजन में आपने देखा सर 10 जो छोटे वाले हैं वो 9 बड़े वालों के बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात आ गई 10 VSD इक्वल टू 9 MSD और उससे आपके बेटे यहाँ पे डिस्कशन आया। अब आपसे कोई पूछे कि सर व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द 1a कैलेंडर, तो लीस्ट काउंट बेटा बड़ा सिंपल सा है, अगर आप ध्यान से देखो तो लीस्ट काउंट आपको यहाँ दिखता है, आपको जो मेन स्केल की बात हुई ना, ये देखिए मेन स्केल डिवीजन और 1 स्केल डिवीजन का जो गैप होता है ये एग्जैक्टली बेटा आप मेजर कर सकते, तो ये आपकी सबसे छोटी डिस्टेंस है जिसको आप मेजर कर पाएंगे। तो आपने बोला कि सर ये जो आपके पास डिस्कशन आता है जो फॉरवर्ड 1a कैलिपर है उसमें लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे लीस्ट काउंट इज डिफाइंड एज लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 1s स्केल डिवीजन। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सो ये आपके पास मेन स्केल डिवीजन था थोड़ा सा बड़ा था, ये आपके 1 स्केल डिवीजन है उसमें ही ज़्यादा 1 काउंट आ रहे थे, तो आपने कहा सर ये मेन स्केल डिवीजन और ये मेरा 1 स्केल डिवीजन और इनके बीच का जो छोटा सा गैप है ये मेरा लीस्ट काउंट है। तो अगर देखा जाए तो हमारे क्वेश्चन बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस जो हमने डायग्राम लिया था उसमें आपके पास आ रहा था 1 VSD किसके इक्वल था बच्चे 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ये आपकी फंडामेंटल डिफिनेशन है फॉरवर्ड के लिए, क्लियर। सबसे छोटा आप मेजर कर सकते हो, तो हमारी क्वेश्चन बेटा आंसर क्या आ रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 0.9 MSD, अगर इसे ठीक से लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 मेन स्केल डिवीजन और वेन्स के लिए किसके इक्वल था 1 mm, तो ये 0.1 mm आ गया, क्लियर। तो लीस्ट काउंट जो पीछे हमने ऊपर लिखा था अब 1a कैलिपर उसके लिए हमारा लीस्ट काउंट कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर 0.1 mm आ रहा है, क्लियर। अब बात आती है कि सर जब हम इसको रीडिंग लेने जाएंगे फाइनली अगर किसी की रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग लिखी कैसे जाएगी, तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना रीडिंग में जो कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको इनडेप्थ नहीं जा रहा हूँ कैसे आता है, तो मेजरमेंट से चीज़ आती है, इसमें टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट और तीसरा कंपोनेंट, क्लियर। पहला कंपोनेंट आता है भाई आपका मेन स्केल रीडिंग क्या है जो कि आपके नॉर्मल नटराज स्केल की रीडिंग आ रही थी, फिर उसके बाद है बेटा 1 स्केल की रीडिंग क्या है, ठीक है। और अगला डिस्कशन पूछा जाए बेटा यहाँ पर कि भाई आप जब ले रहे हैं तो क्या इंस्ट्रूमेंट में क्या कोई ज़ीरो एरर है। मेन स्केल रीडिंग बेटा सिंपल सी बात आती है, जो अंक आपको दिख रहा है वो देखना है, जैसे 2.4 दिख रहा है वो लिख दिया आपको, तो मेन स्केल रीडिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1 स्केल रीडिंग में बच्चे हमेशा ध्यान रखना दो चीज़ें आती हैं कि 1 स्केल रीडिंग में आपका जो मैचिंग मार्क होता है जब भी आप देखोगे तो जो मार्क आपका अपर लाइन से मैच कर रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं लीस्ट काउंट से, और फिर आप क्या करते हैं बच्चे इसमें से ज़ीरो एरर को सबट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये आपके टोटल 3 कंपोनेंट है, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस मैचिंग मार्क इनटू लीस्ट काउंट माइनस जो भी आपकी ज़ीरो एरर आ रही है। ज़ीरो एरर बेटा अभी हम लोग नहीं ले रहे, सिंपल से पहले हम नॉर्मल रीडिंग लेके देखें क्या आता है, ठीक है, ले रहे हैं। तो बात है कि सर हाँ एग्जाम्पल देखें इसमें, तो सिंपल से बेटा मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर एक पिक्चर पिक कर लेते हैं, ठीक है, ये बेटा आपने यहाँ पर रीडिंग ली इस तरीके से, क्वेश्चन बेटा मैं लिख देता हूँ सिंपल सा, ये आपका एक छोटा सा एग्जांपल बच्चे मैंने पिक किया। व्हाट रीडिंग वाज रिकॉर्डेड, स्टूडेंट यूज अ 1a कैलिपर टू मेजर द लेंथ ऑफ द स्मॉल वुडन ब्लॉक, क्लियर। अब बच्चे आप अच्छे से देखो, मैं मान के चल रहा हूँ इसमें जीरो एरर नहीं है, अगर जीरो एरर नहीं है तो मेरी रीडिंग के 2 कंपोनेंट होंगे, एक मेरी मेन स्केल की रीडिंग क्या आ रही है और मेरी 1a स्केल की रीडिंग क्या आ रही थी,
मेन स्केल की रीडिंग बच्चे अगर आप देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है बेटे यहाँ पर ऊपर आपने लिखा, तो ये आपका जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है ऊपर ये 10 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर आपके पास आ गया, और जो रीडिंग ली बच्चा आपने यहाँ पर तो ये आपके पास बेटा मिलीमीटर था, है ना। तो आपकी अगर मेन स्केल रीडिंग देखोगे तो बच्चे कितना आ रहा है 10 से, ये देखो अगर आप इसे जूम करके देखोगे तो 11 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 0 से पहले बच्चे देखोगे तो क्या आ रहा है 1, 2, 12, तो आपका 12 मिलीमीटर आपकी मेन स्केल की रीडिंग हुई। 1 स्केल की रीडिंग बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो आप मैचिंग मार्क देख लीजिए बेटा, मैचिंग मार्क कौन सा है बच्चे, अगर मैं यहाँ से इसको रब करूँ तो मैचिंग मार्क देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सर छठा मार्क आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, ये दिख रहा है सर 6 मार्क आपका यहाँ पर मैच कर रहा था। तो आपने कहा सर 1 स्केल की रीडिंग बेटा कितनी हो जाएगी 6 मैचिंग मार्क, और उन्होंने आपको बता दिया बेटा कि यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना है, ये लीस्ट काउंट बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपके पास आ गया 0.1 mm। तो आपका आंसर को पूछे तो रीडिंग का कितना होगा सर 12 mm मेन स्केल की रीडिंग, 0.6 mm आपकी 1 स्केल की रीडिंग, तो आंसर 12.6 mm सही है, पर आंसर सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो आप इसे 1.26 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो पॉइंट आया बेटे जब रीडिंग की बात करेंगे तो आपका लीस्ट काउंट बेटा मैंने बताया कैसे निकालते हैं, फॉरवर्ड वन ए कैल्पर में MSD माइनस VSD, और 3 कंपोनेंट आते हैं, 0 एरर ना हो तो हमारा तरीका ये होता है। एक और क्वेश्चन बेटा करें यहाँ से, ठीक है, ओके, ये बेटा आपने एक और क्वेश्चन लिया यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब बच्चे ऊपर देखिए सेंटीमीटर आपको दिख रहा है साफ साफ, तो आप देखेंगे तो जब मार्क को देखते चलोगे तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 है ना, तो आपका मेन स्केल की रीडिंग बेटा साफ साफ समझ में आ रही है कितनी आ रही है 1.6। 1 स्केल की रीडिंग के लिए बेटा मैचिंग मार्क देख लीजिए बच्चे, मैचिंग मार्क कौन सा है सर, ये नहीं मैच कर रहा, ये नहीं मैच कर रहा, ये नहीं मैच कर रहा, ये नहीं, सर ये 4th मार्क जो है सर मैच कर रहा है, ओके सर 4th मार्क मैच कर रहा, तो आपने 4 लिखा और लीस्ट काउंट देखा। अब लीस्ट काउंट बेटा अगर यहाँ पे नहीं लिखा गया तो हमें लीस्ट काउंट बेटा देखना पड़ेगा, और टेक्निकली मुझे ऐसा लग रहा है ये फॉरवर्ड वन ए कैल्पर है, 1 MSD माइनस 1 VSD का ही खेल है ना, तो आपका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.1 mm। तो ये आंसर बच्चे किसका आ गया 1.6 सेंटीमीटर। तो अगर पूछो रीडिंग फाइनली क्या बनेगी, तो मेन स्केल की रीडिंग 1.6 सेंटीमीटर प्लस 0.4 mm आ गया, क्लियर। इसको अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा 1.64 सेंटीमीटर। टेक्निकली आप बताओ तो क्या रीडिंग जो नॉर्मल नटराज स्केल से ले रहे थे उससे बेटर हो गई, हाँ सर क्यों बेटर हो गई, उसका रीज़न सिंपल सा है कि सर अगर ये नीचे वाला पार्ट नहीं होता, ये नीचे वाला पार्ट नहीं होता तो हम क्या बोल पाते कि भाई मेरी रीडिंग जो आ रही है 1.6 तक आ रही है, पर 1.6 के बाद आगे क्या है तो वो आप मेजर कर पा रहे हैं यहाँ पे किसके हिसाब से, डिस्काउंट के हिसाब से। कोई पूछे सिग्निफिकेंट डेट्स कितनी होंगी तो आप बोलोगे सर 3 होंगी, कौन सी अनरिलायबल है सर 4 अनरिलायबल है, रीज़न सिंपल सा है क्योंकि आपको दिख रहा है भाई यहाँ पे 4 मैच कर रहा है ना, पर अगर आप जूम करके देखो तो शायद कुछ और है। तो आपने कहा सर मेरी 3 सिग्निफिकेंट डेट्स आएंगी, मेरी रीडिंग बेटर है प्रिसीजन में नॉर्मल नटराज स्केल्स से, ओके। तो हमने फर्स्ट पार्ट में जो अभी कवर किया है वो सिंपल सा लीस्ट काउंट का डेफिनेशन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर बात की जाए तो लीस्ट काउंट का मतलब आप सबको क्लियर है, जो आप सबसे छोटा मेजरमेंट मेज़र कर सकते हो एक्यूरेटली उसको हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। 1A कैलपर में लीस्ट काउंट का हमने कॉन्सेप्ट देखा 1 MSD माइनस 1 VSD आता है, मेन स्केल रीडिंग और 1 स्केल रीडिंग में मेन स्केल रीडिंग आपके पास सिंपल है और 1 स्केल की